एक्स मुस्लिम सुल्ताना जी, सब इंस्पेक्टर, ओ आपका हाँ इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे एक बार बात भी की थी, बहुत महीने हो गए, मतलब मंथ्स हो गई है। पिछले बार मैं आपसे बात करने के लिए कोशिश की पर स्ट्रीम पूरा भरा हुआ था तो मैं जुड़ नहीं पाई थी। अच्छा, और पहले बात आपको तो मैं सब कंग्रेचुलेशंस। इंस्पेक्टर आपने लगाया हुआ है, आप हाँ पुलिस से, पुलिस में है हाँ या हाँ किस में है? सब इंस्पेक्टर अरे हूँ। वाह यार, पुलिस हाँ वाले भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे आपका बहुत बड़ा फैन है हमारे स्टेशन पे, बहुत सारे लोग, पर हिंदी नहीं क्या आती, बात, यहाँ पे तेलुगु आती है हाँ साउथ हाँ क्या बात है, क्या बात, अरे वाह, इसलिए जबरदस्त हो गया। तो एक कभी छोड़ा आपने इस्लाम? वैसे हम कुछ सुरा उरा पढ़ दूँ। एक बार मैंने हाँ आपसे के स्ट्रीम पे आई थी और एक हम इतने कट्टर मोमिन नहीं हैं, हाँ ठीक है बोल देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अम्त अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। वैसे मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, तब मदरसा में पढ़ाई की थी, यही वाला अच्छा से याद है, बाकी पूरा धुंधला धुंधला सा है। अच्छा यार, जो देखता है चैनल उनको पता है कि ये टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है थोड़ा बहुत। आप भी लगता बड़े जमाने से देख रही है, कब से देख रही है हमारा चैनल? मैं आपके चैनल शायद 4 महीने से देख रही हूँ, बहुत सारे अच्छा, वीडियोस फोर भी मंथ देख लिए अभी। हाँ हाँ, क्या और बात मैं है। हाँ दुश्मन भी बन गए, मैं अपने क्या कहते हैं कट्टर वाले होते हैं ना, इनके हाँ मैं एकदम दुश्मन बन गए मेरे, बहुत सारे लोग उनसे बात भी नहीं करते। अरे तो उठा के और सीधा जेल में डाल देगा, कुछ उंगली करेगा तो। नहीं, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर मतलब वो लोग ना पता नबी से बहुत प्यार करते हैं और वो लोग हर्ट हो गए हैं, बोल रहे हाँ हैं सुल्ताना ऐसा कैसा कर दी, ऐसा कैसा बात कर रही है, इतना स्टेटस पे क्यों रखती है, सारा दिन ऐसा 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 बोल। हाँ मैं हाँ रखूंगी। अरे तो जो प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके स्ट्रीम पे जाके जुड़, वो बोलता है मैं स्ट्रीम पे जाकर रिपोर्ट करूंगा, तो कुछ भी कर ले, यहाँ पे हाँ कुछ नहीं हो सकता, अगर तू बचाना चाहता है तो वहां जाके डिफेंड कर, पर इस तरह तू हाँ, प्रोपेगेंडा ना बोल, झूठ ना बोल, झूठ है तो साबित कर। अरे वाह क्या बात है, क्या यार, पुलिस वाले से पंगा कोई लेगा तो हमारे पुलिस वाले नंगा करके फिर उसका पंगा कर देंगे। वैसे आपको पता है जी मतलब मैं उस जो बुर्खा या ये जो ना प्रथा यहाँ पे बहुत चलता है, यहाँ पे लड़कियों को उंगली तक आपको नहीं दिखाई देगी, हर हमारे स्ट्रिप मतलब मेरा फैमिली में मेरा, हाँ मैं प्यूबर्टी एज में तक मैं बुर्खा पहनती थी, 14 इंटरमीडिएट तक, उसके बाद में तो मैंने छोड़ दिया पूरी तरह बुर्खा बुर्खा ये सारे, पर हाँ मैं नमाज वमाज ये सब ना, वो क्या कहते हैं जब रमजान बकरीद होता था तो मुझको पढ़ना इतना नहीं आता था, मैं कॉपी कैट होता था, मम्मी ऐसा ऐसा झुकना ऐसा कहते हैं पेट का पासा कर पढ़ना, फिर सुभान अल्लाह ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह अली में ऐसा कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ बोलना ऐसा बोलना सिखाते थे। तो मुझको ये सारे ना, मैं इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखती थी, मेरे लिए बस एक काम है, काम खत्म कर लेती हूँ, मैं अपने काम में डूब जाती हूँ, सिर्फ इतना तक ही। मैं कभी ऐसा भी नहीं कि मैं एथिस्ट हूँ या कुछ और, पर मैं रिलीजियस बिलीव्स पे ऐसा भी नहीं है कि मैं अच्छा नहीं लगता बुरा लगता है, मैं ऐसी थी कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, चल हटा मुझे बहुत सारे काम है, ऐसी सीरियसली रहती नहीं थी लेती थी आप? एकदम, नहीं सीरियस नहीं, एक्सपर्ट ऐसा भी है या बहुत है या कोई बुरा मान जाएगा, वो भी मैं ध्यान नहीं देती थी, अजीब किस्म की थी। पर मुझे तो ना कब आपने कंप्लीटली इस्लाम छोड़ा फिर? अरे वो नूपुर शर्मा है ना, उन्होंने मेरी ना जो मतलब मैं ये सोचती थी जो मुसलमान लोग कट्टरपन में जो बचपन से मैंने देखी है, जो अपने घर वाली होती है बहुत मारते हैं वुमेन्स को, इतना मारते हैं और खून से लथपथ सब देखे, मैं तभी सोची थी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में वरना मैं भी मार खाऊंगी। हाँ, हाँ फिर एक दिन जब प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तो मेरा घर पे लिबरल फैमिली सेक्युलर था, तो अचानक से मेरे घर पे मेरे चाचा लोग आए थे, और ये लोग जब से आए थे तब से मेरे घर में ना आग लग गई, मेरे पापा मेरे मामू को मारने लगे थे, मतलब चुगलीबाजी होता है ना, मेरे पापा कान के कच्चे थे उस वक्त, अभी ठीक है आपको बताऊं मेरे पापा भी एक्स मुस्लिम है। अरे वाह क्या मॉम बात है भी, सिस्टर्स भी, अभी कोई भी नहीं है, और बहुत सारा बातें बताना है जी, उसी बताइए, दिन, बिल्कुल खुल के बताइए, खुल ये के बात बताइए। बताने के लिए ही उसी दिन मैं आपसे जुड़ने के लिए कोशिश की, आप बात बताने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, लेकिन जुड़ नहीं पाई मैं।
कोई नहीं, अभी आपका स्टेज है, आप दिल से दिल खोल कर जो जो बताना है सब बताइए। और यार हमारी मोहतरमा पुलिस वाली है और पूरे अपने घर वालों को भी इन्होंने एक्स मुस्लिम बना दिया है, तो इनके लिए गुलाब का गुलदस्ता नहीं बल्कि पूरा बागीचा भेजो यार। वैसे मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, मैं आपके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, नहीं, ठीक है? कोई नहीं, बहुत टाइम है, आप बताइए आराम से। अगर आपके पास टाइम है तो दिल खोल के जो जो बताना है सब बताइए, क्योंकि तो ठीक है, मैं आपके बता देती बताने से बहुत से लोगों के हूँ। ऊपर असर पड़ेगा और बहुत से लोगों को नीचे से ऊपर तक मिर्ची भी लगेगी। तो मिर्ची लगना हाँ भी जरूरी है, क्योंकि अंदर की गंदगी ज्यादा मिर्ची खाने से ही बाहर आ जाती है। आपने ठीक कहा। वैसे मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ से मैं बता दूंगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिक्योरिटी विकेट में खुद देख लेंगे, ठीक है? तो एक ऐसी गांव है जो बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, और मोमिन लोग इतने कट्टर हैं, वहां पे हिंदू और मुस्लिम्स हमेशा झगड़ा झगड़ा होता है, वरना सेक्शन 144 हमेशा लगती है। इतनी कट्टर मैंने अपने बचपन से देखी है, और जब जब कभी भी तबलीग लगती है या बयान या कुछ होता है ना, नारा वाना लगाना, नारे तकबीर ऐसा बहुत कुछ, झंडा वंडा लेके बहुत घूमते थे, और मुस्लिम और हिंदू लोगों को बहुत तंग करते थे, मैं अपने आंखों से देखा है। उनके उनके जो जो वो लोग सुबह सुबह ऐसा नहा जहाँ पे नहाते हैं वहां पे जाके पेशाब करते हैं, वहां पे जाके मतलब पोटी करना, ये सारे गंदे काम कर देते थे। इतना तो कि मैंने देखा अपने खुद के आंसे से, मैंने बोला ऐसे क्यों कर रहे हो, ये हमारा इलाका नहीं है, यहाँ पे हम नहीं जाना चाहिए, बोल के रखा है, रूल्स है, हम उधर नहीं जाएंगे, वो लोग हमारे पे यहाँ नहीं आएंगे। तो ये लोग हमारे जो मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरा भाई खुद उसने इस तरह हाल करता था, और मूर्तियां होते थे ना वहां पे जाके, नवा सूसू करना, हगना, ये सब पूरा गंदे गंदे काम करता था। मुझको एक कोई भी एक इंसान जो गंदा है तो उसको गंदा तो समझेगा ना, चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, तो उसका थोड़ी ना उसके घर पे जाके या उसके बिलीव्स को हम हगना या सब पेशाब करना अच्छा लगेगा। मैं किसी चीज को अच्छा मान रही हूँ, अच्छा ठीक है, तो थोड़ी ना ऐसा कि तुम किसी और पे थूकोगे, हगोगे, पेशाब करोगे, वो अच्छा लगेगी? इतना तो दिमाग होती है ना छोटी चीज, कोई सी भी उम्र हो। सही बात है। तो मुझे ये बचपन से इतना दिमाग में हो गया कि यार ये लोग बहुत इस तरह मेरे पर, जब एक दिन जब नुपुर शर्मा ने बोला, और एक दिन एक्स मुस्लिम अक्सर अली ऐसा कुछ है जो तमिलियन, उनकी वीडियोस कैसा? देखा मैं, हाँ एकदम मेरे दिमाग ना फट गई, ये क्या है? मैंने उतना ध्यान नहीं दिया नुपुर शर्मा की, पर ये इनका जो देखा तो और मैंने सोचा यार एक्स मुस्लिम भी होते हैं। मैंने कभी मैं इतना सोचती थी यार मुसलमान भी दीन छोड़ते हैं, तो मेरा दिमाग एकदम गया हो गया। तो मैं सर्चिंग स्टार्ट की, तो एक दिन यूट्यूब में मारा तो आपका चैनल आ गया, बहुत सारे चैनल आ गए, तो मैं एकदम क्या कहते हैं शॉक हो गई, यार इतने लोग हैं। मैं सोचती थी कि मैं ही बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ही नहीं ध्यान नहीं देती, मैं ही एक टाइप के एक इंसान हूँ जो इस तरह करती हूँ, मतलब बुर्का को वैल्यू नहीं देती, क्यों अपना काम धाम छोड़ के, हेल्थ भी ठीक नहीं है, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठो, ये सब क्या है, ऐसा लगता था। और पानी पीना क्यों बंद करे तुम? अच्छा ठीक है, तुम भूखा का वैल्यू जानना है तो पानी क्यों? दुनिया में ऐसा भी लोग होते हैं क्या जब प्यासा प्यासा कोई रहता है? तो इस तरह सोच रहती थी, ये क्यों छोड़े, ये क्या बकवास है। और जब पापा इतने खट्टर हैं, जब मेरी सिस्टर मेंटली डिसऑर्डर बन गई थी, तो उनको दिमाग काम नहीं करता था, कि कहीं पे भी इलाज हो तो कुछ नहीं कर पाते थे, तो वो लोग इतने मतलब हो गए थे मेरे पापा हेल्पलेस, प्योरली कट्टर बन गए हैं, और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, उनकी हेल्थ ना एकदम बहुत बुरा हाल, मुझे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या बिलीव कर रहा है ना पढ़ रहे, पर तब फर्क पड़ रहा है एक इंसान जो उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी ये कुछ कर रहे हैं किसी को खुशी करने के लिए और खुद को दुख दे के, ये क्या है पागलपन। आप अल्लाह को, मैं फिर बोलते थे आप ना, मेरे पापा बोलते थे देखो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप ना अल्लाह के पास रोना धोना उनको, वो आपका आपका जो भी विषय ठीक कर देगा। मैं बोलती हूँ मुझको रोना धोना बिल्कुल नहीं आती, अभी मैं मेरे रो को एक क्यों? चीज समझ में नहीं आती है कि हाँ ये जो खुदा है इस्लाम वाला, इसको रोना धोना पसंद क्यों है? क्यों चाहता है उसके बंदे रो रो के गिड़गिड़ा के उसे दुआ मांगे? क्यों चाहता भाई? ये कैसा खुदा है जिसको अपने बंदे रो रहे हैं तो इसको खुशी होती है, पसंद आता है? कैसे हो अल्लाह मियाँ आप? क्यों रुलाना चाहते हो यार? पापा हर वक्त ना एकदम मतलब जब जब सच में जब दुख होते हैं तो रो देते हैं, जब कुरान पढ़ नमाज पढ़ते हैं ऐसा दुआ करते हैं, तो मुझे बोलते हैं अगर कुछ मांगना है थोड़ा दिल से पूछो आपको रोना आएगी, ऐसा बोलते हैं। मैं बोलती हूँ देखो मुझे रोना नहीं आती, मैं रुलाने टाइप की हूँ पर मुझे रोना नहीं आती। आप तो अल्लाह को ही रुला दोगी यार।
हाँ, और मैं उस वक्त उस टाइप की ये जो एज थी बहुत गुस्से वाली थी, मतलब गुस्सा थी गाली गलौज नहीं, पर ना मतलब सवाल ऐसा फेंकती थी कि तो उनके पूरे बदन पे मिर्ची लग जाता था। मतलब जो मोमिन लोग होते हैं ना उनको सवाल पसंद है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है ना, इसीलिए उनको गुस्सा आ जाता है, उसी से मुझे प्रॉब्लम होता था। तो एक दिन इतना मैं मतलब रेवल्यूशन कर रही हूँ, मुझे मुझे अब स्पोर्ट्स जाना है, मैं बुर्का पहन के कैसे भागू, मुझे रनिंग करना है, मुझको टेनिस खेलनी है, तो मैं थोड़ी ना अब स्कर्ट पहन के जा रही हूँ, मैं मुझे अपना कपड़े पहनना है, अभी मैं बुर्का पहन के सब कैसा करूंगी। तो वो लोग नहीं मान रहे थे, तो मैं बुर्का उर्का मैं अपने बैग पहनती थी, फिर बैग में वापस डाल लेती थी, फिर अपना स्पोर्ट्स खेलती थी। इस तरह ही मैं अपना मतलब इंटरमीडिएट खत्म कर लिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी ये जाहिर सी बात है, बुर्का पहन के आप स्पोर्ट्स, वो आप पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते उस स्पोर्ट्स में, वो बीच में आपके ये करेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे मोमिनाएं आई हैं जो मुझे तो प्योर 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 दिखावा लगता है ये सब। वो ऊपर सर पे हिजाब पहनी है और नीचे ऐसा बता रही है ऐसा हिजाब है, लेकिन वो जो हिजाब पहनी है वो कपड़े इतने टाइट है कि भाई वैसे भी आपका फिगर लोगों को पता चलेगा। तो ये किस हाँ बात का धोखा दे रहे हो आप? अगर बुरखा पहन के आपको करना है तो ऐसा बुरखा पहने हो ना जिसमें आपका फिगर रिवील ना हो। तुम वहां पे सिर्फ सर पे स्कार्फ पहन लिए, नीचे तुम्हारा पूरा एक एक इंच लोगों को पता चले, तो ये धोखा देने की कोशिश आप लोग किसको करते हैं? उसमें मोमिन लोग खुश भी हो जाते हैं, ये देखो हमारी प्यारी बहन इस्लाम में रहते हुए ये कर रही है वो कर रही है। अरे भाई थोड़ा होश में आओ। तो ये मेरे हिसाब से ये पूरा एक धोखा है और दिखावा है। और एक बात बताऊं साहिल जी, जैसे कि हम अगर मैं अगर मैं तो सब मतलब मेरे पापा को ही मैं धोखा दे रही थी क्या कह के, मैं घर से तो बुरखा पहन लेती थी, तो मैं स्पोर्ट्स पे यहाँ वहां पे जहाँ पे अगर काम करना है यहाँ वहां पे, जैसे कि प्रोजेक्ट मिलता था वहां यहाँ ढूंढना, काम करना, लाइब्रेरी जाना, ये सारे तो लोग देखते थे, दुनिया ये लड़की यहाँ निकाल रही है। मैं सबके सामने बस स्टैंड में निकाल के अपने बैग में ठोक देती थी। और दूसरा, मेरे पापा ना बहुत रिजर्व इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करते हैं, मतलब जो लोग घर में आके बात करते हैं उनसे ही बात करते, तो इसीलिए इनको मेरी जो कम काम कर रही हूँ ना करतूत, ये नहीं पता था। हाँ, तो यही मेरी स्ट्रेंथन थी। तो आपने मैं आपने जैसे कि मेरे इतने भी दोस्त भी नहीं, मैं बहुत रिजर्व मतलब बहुत कम दोस्त रखती थी। अभी अब लोग मुझको देखते थे, जो मोमिन लोग होते हैं ना मुझको एक स्लट की तरह देखते थे। अरे एक दिन देखो मैं, हाँ एकदम स्लट, मुझे खुद एक दिन एक एक इंसान आया, एक मोमिन, वो मतलब दाढ़ी है पूरा, ये पूरा पहन के, आज शुक्रवार है मतलब आज जुम्मा है, नमाज पढ़ना है, और आप इस तरह यहाँ पे खोल रहे हो इस तरह, वो इतना मतलब मुझको सुना रहा था। मैंने बोला देखो आपको आपका अच्छा लग रहा है तो आप करिए, पर आप होते कौन हो, मुझे क्या करना है ना करना है, मुझे क्या पहना है ना पहना, आप होते कौन हो मुझे बताने के वाले। मैं क्या नंगी खड़ी हूँ, मैं नंगी चढ़ू, मैं अपने सलवार कमीज पहने हूँ, मैं अपने पूरे फुल हैंड से, आपको मेरे शरीर से क्या प्रॉब्लम है, इस तरह सवाल होता था। और वो लोग का मेरे बारे में पूरे गांव में पूरा ये स्लट है इस तरह, मतलब जो हिंदी में उर्दू में वर्ड्स होते हैं, मैं तो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक यूज कर रही हूँ। इस तरह मेरे मैंने बारे सही में बात जनता कहा। जन, हाँ इस तरह मतलब अगर कोई भी मोमिन लड़कियां ना अगर हिजाब ना पहने या बुरखा ना पहने या कुछ भी निकाब ना, यहाँ पे तो निकाब बुरखा भी नहीं है, सिर्फ आईज दिखती है, कुछ लड़के तो ग्लाउजेस भी पहनती है, पैर पे सॉक्स भी पहनती है, कुछ नाखून तक ना दिख जाए, इस तरह रहते हैं। और अरे यहाँ पे साउथ पे इतनी गर्मी होती है, मुझको तो नॉर्मल कपड़े में तो टाइट बिल्कुल नहीं पहनती, मैं तो हाँफ के मर जाऊंगी। अरे वो मैं कपड़े बुर्का को पहनेंगी, हाथ में ग्लव्स पहनेंगी और वो पैर में सॉक्स पहनेंगी, फिर उसमें गंदी पसीने की बास आएगी, तो वो सब सोचते भी नहीं आप किसी के बाजू में। बहुत से बार ऐसा होता है ना कि लिफ्ट में आप हो और एक बुरके वाली लेडी अगर आ जाए तो इतना इतनी गंदी बास आएगी कि आपको लगेगा कि यार बेहोश हो जाओगे आप हाँ। तो और एक बात बताएं, जब हम बहुत बचपन थे, द बिफोर प्यूबर्टी एज के टाइम पे, तो उस वक्त हम बचपन में क्या होता है, जब रमजान हो या बकरीद हो, नए कपड़े खरीदते हैं, वहां यहाँ दोस्तों को दिखाना है कपड़ा, नया कपड़ा खरीदे, शो ऑफ होता है ना, वही खुशी है मेरे लिए। मेरा मतलब रमजान होता है तो नया कपड़ा आएगा, कुछ खाना वाना नया नया बनेगा, इस तरह था दिमाग, जी तो रिलीजियसली ऐसा था। और एक बात बता, तो कट्टरपन की हद क्या था, जब मैं स्कूल में थी तो इंडिपेंडेंस डे होता था या कुछ ऐसा कुछ डेज होते हैं, तो वहां पे ना पूजा पाठ होता था, जैसे कि वहां पे नारियल मार के उसके बाद उसको कोकोनट ये सब मिक्स करके प्रसाद के हिसाब से देते थे हर स्टूडेंट्स को।
और ये जब ना क्या कहते हैं, और एक केला देते थे या कुछ नारियल ऐसे देते थे, तो मैं कभी अगर मतलब मैं अपने दो सिस्टर्स के लिए अपने पॉकेट में रखती थी, हाँ मैं इनको दूंगी, तो मैं घर ला जाती थी, ये कहाँ से लाया बेटा आपने, तो पूछा था, हाँ स्कूल में दिया है, सिस्टर के लिए आई हूँ। अच्छा, उसमें जो कुमकुम होती है ना थोड़ा बहुत, और देखिए तो अच्छा ये प्रसाद है, ये नापाक है, घर पे कैसे लाया, इस तरह मतलब नापाक है, घर पे नहीं लाना चाहिए, ये हम खाने से गुनाह हो जाएगा, अल्लाह नहीं माफ करेगा, इस तरह मतलब इतना डरा दिया था हमें, मुझको, और मैं वहीं पे स्कूल पे ही खा के आ जाती थी, मुझे केला वो वहीं पे खा के आ जाती थी। और पता है मेरी बहन को ना एक दिन मेरे मेरे पापा का मतलब बहुत मानती, बहुत छोटी थी, 3 साल छोटी, उसने ना जैसा मेरे पापा ने बोला कि इस तरह नहीं करना, मतलब हाथ जोड़ना, जैसे नमस्कार कहते हैं हाथ जोड़ना होता है ना, इस तरह हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, स्कूल पे हाथ जोड़ के प्रेयर किस लिए कर रहे हो, स्कूल पे जा रहे हो तो हाथ ऐसा छोड़ देना चाहिए, या अल्लाह की तरह इस तरह दुआ मांगना चाहिए, हाथ ऐसा नहीं पकड़ना, ऐसा बोला था। तो मैं जानती हूँ मेरे पापा के लिए अगर मैं करूंगी तो मुझको स्कूल में पिटाई पड़ेगी, मैं क्यों करूँ, मैं तो मैं पापा को वहां पर ध्यान नहीं दिया, पर मेरे सिस्टर फॉलो की उस दिन, पर मैंने सिस्टर फॉलो की थी, और इस तरह आपने ऐसा क्यों किया, मेरे पापा ने ऐसा बोला, मैं नहीं करूंगी ऐसा बोल दी, तो उसको पिटाई पड़ी। स्कूल में जो भी किए थे वो भी गलत था, उनको समझाना चाहिए था, वो बात अलग है, पर जो मतलब बच्चों के दिमाग में ना पेरेंट्स पहले से ही उनको सोच विचार करना पूरा बंद कर देते हैं, ये लोग पहले से इम्प्लांट कर देते हैं ये सारी कट्टरपन, यही बोलना कंडीशन चाहते हैं। तरीके से की जाती है। और अरछिपकली को मार देना, इसको इनको मारने से क्या कहते हैं, और नेकी मिलेगी, इस तरह के प्रचार होता था, और बहुत सारे ऐसे कट्टरपन। हाँ, और जब हम प्यूबर्टी अटेंड किए थे ना, तब से क्या कहते हैं, शादी करा देना, मेरे पापा को नहीं था, मेरे घर जो चाचा चाची है ये लोग हरामी है, ये बहुत, इनको इनको लड़के पसंद नहीं, इनको पूरे लड़के हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब पढ़ाई नहीं की, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे होर्डिंग्स आ रहे हैं, हम लोग बहुत मतलब प्रचार हो रहा है, मेरे पापा की इज्जत बढ़ रहा है, उनका अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक इनको मतलब शादी शादी कर देंगे तो कुछ नहीं रहेगी, लड़की की ना रेफरेंस रहेगी, ना इतनी मेरे भैया का इतना शान इतना क्यों आएगा, हम नहीं करने देंगे, और मतलब आप समझ रहे हैं ना, उनको चिढ़ हो जी रहा था, चिढ़ हो रहा था, तो उन्होंने मेरे पापा कितना ब्रेन वॉश कर दिया, लड़की बड़ी हो गई है, आपने शादी नहीं करी अभी तक, उनका 13 साल हो गई है अभी तक नहीं शादी की, इस तरह उनका दिमाग ना गर्म कर दिया था। और उस दिन मेरी मॉम बहुत ही पागल थी, जी बच्चों को पढ़ाना है, तो उस दिन मॉम ने बहुत लड़ाई की अपने अपने मतलब मेरे पापा से, तो उस दिन मॉम की बहुत मार पड़ी थी, आज भी हमें याद है, तब मैं तब तब मेरे जिंदगी में ने मेरे पापा का जो क्रोध मैंने देखा था, एक तो मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझे, देखो मैं एक इंसान को मैं ना हर एक डायमेंशन से देखती हूँ, एज अ डॉटर मेरा मेरा डैड, मैं अपने पापा को बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, पर एज ए हस्बैंड मेरा अब्बा, मेरा मतलब मेरा अब्बा अच्छा नहीं है। हाँ, वो होता है कई बार कि एक आदमी एक रिश्ते में तो अच्छा होता है, लेकिन दूसरे रिश्ते में ही इज नॉट अ गुड पर्सन। हाँ, उनको उनको पति की जो सम्मान देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है बातचीत करना चाहिए, उनके बात करना नहीं आता, उनको सिर्फ गुस्सा दिखाना आता है, गुस्सा दिखाना नहीं जताना आता है, जताना मतलब मारना पीटना बहुत था बचपन में, जब हम जब समझ रहे हैं गलत हो रहा है तो मैं रेवोल्यूशन करती थी, ऐसा हाथ उठा रहे हो आप लोग गलत कर रहे हो ऐसा ऐसा, हम खुद ही धक्का दे देते थे, मतलब नीचे गिरा देते थे दोनों बहनें मिलके, तो उनको तब और मतलब हो जाता था कि हम होगा। लड़की अब, हाँ और गुस्सा आ जाता था, तो इस तरह प्रकार हो रहा था, तो लोग भी हंस रहे थे, इस तरह का उनका तब थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा था। और उसके बाद सिस्टर का जो ये जो मेंटली डिसऑर्डर हो गया था ना, तो उन आधा आधा जो एनर्जी था वो तो एकदम पूरी थी निकल गई, और नहीं है मतलब लड़ाई करने का उनकी जो ये थी, और वो पूरी तरह कट्टर मोमिन बन गए हैं, पागलों की तरह 5 वक्त नमाज करना, रोजा रखना, इस तरह। उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई कर रही हूँ इस तरह, उसके बाद मैंने गलती की थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में चली गई थी, वो पढ़ाई में बहुत देरी हो गया था, इसी बीच में मैं आईपीसीसी तक कंप्लीट की, एंड उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब पढ़ा था, तो मैंने लिख के यहाँ तक आ गई, यही तक मेरे जर्नी थे, तब तब बोल रहे थे अभी तक तूने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, कब होगा तेरी फाइनल, इस तरह मतलब आईपीसीसी ग्रुप 1 4 4 टॉपिक्स तक मैंने कंप्लीट की, ग्रुप 2 अगर 4 हो जाता तो मैं आज सीए फाइनल ईयर कहलाती, पर मुझको पैसे की तंगी बहुत होता था, और घर पे कहीं शादी ना करा दे पहली बार, इसीलिए हमने इस सब इंस्पेक्टर इसके अंदर मैं फॉर्म भर दिया था। इससे पहले और एक ट्रेजिडी हुई थी कि मेरे पापा मॉम डैड को बहुत मारे थे मेरे चाचा लोग, और मैंने सोचा कि मेरा तो कोई नहीं है बचाने वाले ना कुछ, और तो मैं अपने घर का जिम्मेदारी लेने के लिए मुझे एक पावरफुल नौकरी चाहिए, ताकि मुझको कोई मेरे फैमिली में आँच ना आए, तो मैं इसी पे पूरी फोकस दी, और सीए को मैंने छोड़ दी।
इसीलिए मैं इस नौकरी में, ये मेरा लाइफ में ये वाली प्लान नहीं थी, मेरी प्लान अलग थी। और लेकिन आप खुश फिलहाल हैं अभी जिसमें हैं आप? हाँ खुश हूँ, पर अभी मैं 28 ईयर्स की हूँ और इसके ऊपर भी मेरे बहुत सवाल आते हैं। अभी तक शादी नहीं कराई, मोमिन होके इस तरह मतलब बहुत कर सुनाते हैं, और मैं मंदिर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, और उसके ऊपर भी अरे बहुत वाह, सारे। हाँ अच्छा लगता है सबके दोस्त के साथ, सब मिलजुल के रहना, खुशियां बांटना, पर बुरी बात थोड़ी ना है। जब सही बात है। हमें मेजोरिटी ऑफ 80% पॉपुलेशन इंडियंस पूरे तो सनातनी है, तो वो हम जब स्कूल में जाएंगे तो वो लोग ज्यादा रहेंगे, तो सबके साथ रहेंगे तो सब कुछ करना पड़ता है। सही बात है। तो और हम लोगों को तो नमाज के अंदर ही नहीं आने देते ना ये लोग, जो क्या कहते हैं मसीह मतलब मस्जिद में ऐसा कुछ आने ही नहीं देते। तो मुझको मुझको आर्ट एंड हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, वहां पे जाना, वो जो पुराने पुराने जो भी चीजें होते हैं बहुत अच्छा लगता है बचपन से, वो जो सही, देखने के अंदर क्या क्या होता है, अंदर क्या कैसी दिखती है, ऐसे एक क्यूरियासिटी होता था। हाँ ये वो बचपन। ये तो आपका समझो लाइफ इस तरीके से गुजर रही थी, लेकिन वो क्या चीजें थी जिसकी वजह से आपने फिर ये डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं, इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लाम सही नहीं है? पहली बात, एक मुझको एज ए वुमेन मुझको यहाँ पे राइट्स नहीं मिली थी। पहली एक बात, जब झटका तब लगा था, जब छोटी उम्र में मैं कुछ भी नहीं जानती थी दुनियादारी, मेरा शादी की बात हुई थी बिना मेरी मर्जी की। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इंसान से शादी करना है, उसका सेक्स करना है, उसके बच्चा पैदा करना है, बड़ी बात है। मैं उतनी उम्र में खुद ही एक बच्ची हूँ, मुझको एक बच्चा चाहिए इस सही तरह। बात है, मैं बच्चे खुद के एक गोद में बच्चा दिला देते हैं ये लोग। हाँ एक तो तब मुझे इतना होश था कि ये लोग ऐसा कर, और ऊपर से पता है किससे शादी, मेरी खाला का बेटा। हाँ और मैं साउथ में रहती हूँ, ये ऐसे बचपन से सुनती थी, अरे तेरे मजहब में ना कजिन्स के साथ शादी करा देते हैं, भाई भाई करा देते हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं करते, झूठ है। मैं हाँ जानती हूँ कराते हैं, मैं देखा है अपने फैमिली में है। हाँ होती है वो मैं तो। शर्मिंदगी से मैं ना मानती नहीं थी, क्या करूं, मुझे क्यों बोलते हो, अगर कोई कर रहा है तो उससे जाकर बोलो मुझे क्यों शर्मिंदगी। मुझे ना शर्मिंदगी महसूस होती थी, पहली बात, मैं जब मोमिन थी तो मैं हमेशा शर्मिंदा थी किस बात की, अरे तुम लोगों में तो भाई भाई में शादी करा देते हैं, तो मुझे हाँ मोमिन कहने में ना बहुत शर्म आ जाता था, मैं डिफेंड नहीं कर पाती थी, क्या करूं, लाचार थी। मुझे खुद पता है गंदा चीज है, भाई भाई में शादी क्या बात होती है गंदी सी, तो मैं इसको पहले से इम्प्रेशन क्या हो गया पूरा बैड खत्म, और डिपेंड की बात ही नहीं, मैं अच्छा कहाँ से क्या बोलू, मैं इसको जलेबी मुझे पसंद नहीं। उसके बाद सब जब जब मेरी लाइफ में खुद ही इम्पैक्ट हो रहा था कि मेरा खुद का भाई से शादी, ये वाली गंदी बात है, तो तब मैं होश में आ गई थी, अब तो ये सब नहीं चलेगा। तो मेरी मॉम ने उस वक्त अपने आप को शील्ड बना लिया, मुझको बचा ली, वो बात अलग है। और मैं बहुत सारे बात ना आपको बोलना है, मैं भूल रही हूँ कहाँ कहाँ पे कहाँ क्या क्या बोलना था। और हाँ मुसलमान लोगों को अपनी अपनी वाइफ को पीटने में एक बात है, बोलते अगर गलती कर रही है ना इसीलिए मार रहा हूँ, ये डायलॉग मुझे आज भी याद है, मेरे कान में, मेरे कान में मेरे पापा ने बोला था। मैंने बोला आपने कभी मतलब गलती इस्लाम नहीं की, इजाजत नहीं देता है ना मारने की? हाँ, मैंने बोला ये इंसान है, 1350 ग्राम सब ब्रेन है इनके अंदर, आप समझाएंगे तो समझेगी, ये थोड़ी ना बहस है, उसको आपको भाषा नहीं आएगी तो आपको मार झोल के आपको समझाना पड़ेगा, आप उनकी सही बीवी है बात। आप समझा सकते हैं। मैं ऐसी बात करती हूँ, उनको चुप, उनको अच्छा नहीं लगता, वो बोलते तेरे तुम मम्मी के साइड है, लड़कियां सब एक हो गए, तुम लोग एक जगह बन गए हो इस तरह। मैं बोल रही हूँ हम क्या साइड है क्या नहीं, मैं बोल रही हूँ मैं इसमें गलत के साइड नहीं रह सकती, अब हाथ उठा नहीं सकते, अब आप समझाइए गलत है तो समझाइए, मार क्यों है। और मैंने एक दिन मैंने अपने पापा को गिरा दिया नीचे। पहले से ही दबंग थी लेकिन मतलब आप? हाँ मैं सबको मारती हूँ, मतलब मेरे चाचा लोग आए थे उनको भी मैंने मार मार के भगा दिया था मेरे पापा के। हाँ मैं ना अपने भाई पंगा मैं लेने से पहले, सुल्ताना जी के साथ पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेना, उठा के पटक देती है ये। अरे वो बहुत सारे हैं, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ कैसे भगाऊं। अरे ये लोग जब से घर पे घुस गए हैं, मेरे मेरे पापा का दिमाग ना पैर के नीचे आ गया था, थोड़ा बहुत था वो जितना था वो भी पैर के नीचे आ गया था, तो ये लोग इतने मतलब घर में सुख शांति नहीं थी, मैं अच्छा सा पढ़ाई करती थी, कभी अगर ना करंट भी चल रहा था मेरे पापा खुद आके हाथ वाला हाँ पंखा से, इस तरह हम लोगों को प्यार करते हैं। और वही इंसान एक दिन बोल रहा था कि इस तरह नहीं हंसना चाहिए, हंसना शैतान की होती है, इस तरह बात बोला, ये क्या है, मैं हंसू नहीं, मतलब मैं पालू हाँ या हगू या कुछ है, परमिशन लो क्या बक रहे हो। और मतलब वो मेरा चाचा आया था, मैं हंस रही थी, मैं किस बात है, मैं लाइब्रेरी से कॉमिक कॉमिक्स किताबें लाई थी, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, मैं बहुत चुटकुले सब अच्छा लगता था,
एक दिन पढ़ाई क्या, मैं हंसती हूँ सुबह 7 से 6 बजे से 7 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ मैं अपनी फ्री टाइम पे। अरे हाँ बंदा आया था मेरा कमरा के अंदर आके, अरे तेरा बेटी इस तरह हंस रही है, ये तो ऐसा ऐसा कुछ बोला। तो वो मेरा पाप, और पता है मेरे घर में पर्दा है, मतलब लड़के इधर नहीं आना चाहिए, लड़की उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, और मेरा चाचा मेरा कमरे के ऐसा आके दिख के चला गया था। मैंने बोला तेरा तेरा बड़ा भैया मेरा कमरे के अंदर क्यों आया, वो लड़का नहीं है या मैं लड़की नहीं हूँ, वो मेरा कमरे के अंदर झांका है, पहले उसको बोल बिना परमिशन के अंदर मेरा अंदर ना आने के लिए बोल। मेरे लिए ही क्यों, मैं कि तुम लोग की ब्यूटीफुल बदन देखने के लिए मेरी फटफटा रही है, आप लोग पर्दा लगाई है, आप लोग संभाल के रहे, आप लोग मेरी मेरी पर्दा के अंदर क्यों आ रहे हो हाँ, मेरी इस प्राइवेसी में तरह। क्यों घुसना है। हाँ, मुझे आप लोगों के बदन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आप लोग मेरे कमर में आ गई यूं ही बिना परमिशन के। मैं इस तरह बात बोलती थी, उनको पसंद है। वो मेरे पापा के दिमाग में, अरे तेरे बेटी बहुत जबान चढ़ाती है, वो काफिर हो जाएगी, जल्दी से कुछ कर। तो मेरे पापा ने डर के मारे एक कुरान लाके मेरे हाथ में थोप दी। मैंने बोला देखो पापा, मैंने ये जब पढ़ाई की थी अरबी के जो भी उर्दू थी, तो मैं 7 साल की उम्र में खत्म कर दिया, मतलब मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। तो मेरे पापा ने ठीक है कह के जो लोकल लैंग्वेज होती है इस पे लाके एक दिन रख दिया था। तो मैंने, हाँ ठीक है, इनको खुशी करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस पढ़ी थी, ऐसा कुछ किताब था अल बकरा ऐसा कुछ नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं उसमें 2 पन्ने पढ़ी थी। उसमें ना सेक्स कैसा करना चाहिए लिखा हुआ था। मैंने, मेरा दिमाग में जब उस उम्र में था, तो सेक्स के बाद में एक रिलीजियस बुक में क्यों आना चाहिए भाई। ये क्या चल रहा है, कहाँ से जाए कहाँ से ना जाए, इस तरह बात अगर लिखा हुआ है, ये नापाक होता है वो बात, ऐसे कुछ लिखा था मुझे ठीक से याद नहीं है, पर ये बातें लिखा उस वक्त में जो उस एजुकेशन नहीं था, वो पाप अच्छा बुरा का बात बात कर रहा था। ठीक हाँ है, हाँ तो मैं ये एक रिलीजियस किताब में ये गंदे बातें मैं क्यों सीखूं, सही बात है। तो मेरी उम्र में मैं क्या करूं, मुझे क्या काम है इससे। मैं इसीलिए उसको मैं ध्यान नहीं दिया, और मेरे मॉम को बताइए देखो ये सारे गंदे गंदे चीजें हैं, आप लोग तो एक टीवी में एक एड आएगी चड्डी दिखाएगा तो आप लोग चैनल्स बदल देंगे, एक एक, एक पप्पी आएगी एक झप्पी आएगी तो चैनल्स बदल देते हो आप, मुझे एक 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 सेक्स वाली सेक्स कैसे करने चाहिए किताब थमा दी, मुझे नहीं पढ़ना है। हाँ बोलो, मेरे मामू ने बोला अच्छा ये सारे हैं, और हाँ मैंने बोला तो ठीक है ना पढ़े उसको, मैं और एक किताब ला के देंगे। बोलो इस तरह चलता था लाइफ मेरी। और फिर उसके बाद एक दिन बवाल मच गया था, मैंने कुरान ना पढ़ने की लेव कर दी, तो मेरे मेरे चाचू आ गए थे, तो किस तरह बात कर रही है, तू ऐसा नहीं करी ऐसा ना करेगी, तो मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए आ गया था। मैं बड़ों की इतना इज्जत करती हूँ, अपने सर पर रखती हूँ, अगर कुछ अगर मेरे इज्जत पे आ जाएगी तो मैं उसको पैर के नीचे रखती हूँ, मैं इस टाइप की, मैं बाइपोलर हूँ, बहुत गुस्सा। तो हाँ मैंने हाँ क्या किया, अपने सर अपने खुद पटक ली, अपने पटक ओए किया, रे अपने, रे रे। हाँ, अपने सर पटक लिया, अपने हाथ पैर जो जो कपड़े थे मैंने खुद ही फाड़ लिया, हाँ और 100 को कॉल कर दिया। अरे मैंने बोला उल्टा गेम। हाँ इधर चलेगा मेरा से, और मैं दोनों के ऊपर केस थोप दिया, और उन लोगों को 3 साल की जेल हुई है अभी, सेक्शन ये 599 लगा दिया मैंने। बाप रे हाँ बाप, अभी तो डरेंगे आपके नजदीक आने के लिए। हाँ उसी लिए वैसा मैंने की थी, इसीलिए मेरे पापा को 2000 कहते हैं 16 17 गैप में मार्च महीने ठीक से, हाँ 2016, तो ये लोग मेरे पापा मॉम डैड के ऊपर अटैक किए थे गुस्सा में, अच्छा, वो उसकी बदला लेने उस के लिए। आ इसीलिए इतने सालों के बाद कोलकाता गए थे, तेरे बेटी ने ऐसा किया हम लोगों के साथ इस तरह बदला। जी बाद में मैंने भी बदला ले लिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ती, वो अलग बात है, मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पे स्ट्रीम पे। हाँ जी उसके बाद से मेरी लाइफ में ये जो चाचा चाची लोग ये सारे ना निकाल के फेंक दिया, कोई भी हमारे फैमिली में ना उंगली करने नहीं आते। रही बात, मैंने अपने रिश्तेदारों से पूरा हाथ धो लिया है, कोई भी मेरे फैमिली में मुझको डर के कोई नहीं आता, पहली बात ये साफ साफ है। और रही बात पापा का जो पागलपंती से मुझे प्रॉब्लम होता है कि ये इंसान ना मुझे कहीं मुस्लिम मोमिन से ना शादी करा दे, ये बात मुझे हमेशा डर डर सताती थी, और इसीलिए मैंने शादी वादी भी नहीं किया आज तक। मुझे इतना मुझे पता है, मुझे ना बुरखा में नहीं रहना है, और मेरे बच्चों को जो जो पापा वाली कट्टरपन जो जिंदगी जिया है मैंने, वो लोग मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इतना तो मैं सोच ली मैं गधे से भी शादी कर लूंगी पर मैं मोमिन से नहीं करूंगी, इस तरह मैंने बोल के मैंने थमा दिया। और वो लोग, मैंने बोला हम अच्छा लड़के लाएंगे, मैंने बोला दुनिया में हर लोग अच्छा बनकर अच्छाई की नाटक करेंगे, आपको थोड़ी ना पता चलेगा अच्छा बुरा, आप अच्छे हो आप अच्छे हो, आप अपने आपको बीवी की इज्जत किस तरह देख रहे हो बताइए। जब से वो सही सवाल बात। की थी मैंने उसे बोला, तो तब से मेरे पापा ने मुझसे जो शादी वाली के बात ही नहीं किया, आज मैं बुढ़ी हो रही हूँ कोई शादी के प्रस्ताव नहीं है।
लेकिन अभी आपका फैमिली का क्या हाल है सुल्ताना जी, क्या जी आप क्या कहा आप बता भाई? रहे थे आपकी हाँ फैमिली का अभी क्या हाल है इस्लाम को लेकर? हर हाँ एक दिन मतलब मेरी मॉम को अल्लामा जस्टिस है ना, वो बंगाली बात करते हैं, जी, हाँ वहां पे इसके लेकर पहले ही, वो हाँ 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 उसी दिन ही नहीं, उसकी मैं ये मतलब पिछले 2 महीने से मेरी मॉम के ब्रेन वॉश कर रही थी, स्लो स्लो पॉइजन कहते हैं ना, तो जी एक सीढ़ी डाल सीडिंग डालना चाहिए हर इंसान को, एक सवाल छोटा सा इस तरह छोटा छोटा डाल डाल के, और उन लोगों की सारी फोन में मैंने सारे एक्स मुस्लिम्स के चैनल थोप दिया, और बाकी जो जाके नालायक के सुनते थे उनको ब्लॉक कर दिया, और मैंने ईमेल जो अकाउंट होती है उसको ही फाड़ के दूसरा क्रिएट कर दिया मोबाइल पे, अच्छा ताकि उसकी छवि भी ना, शैडो भी ना पड़े। और ये लोग ना हमेशा सुनते हैं कुछ ना कुछ बयान बयान, तो ये तो आएगा तो उन लोग ऑटोमेटिक सुनेगा, बोल मेरे पापा मामा डिस्कस कर रहे थे, अरे ये बच्चों अगर ये लोग सुन ले ना तो ईमान डर मार जाएगा, इस तरह सुन रहे थे। मैं पूरा जानती हूँ ये लोग बीच में क्या क्या बात चलती है, मेरी मॉम लड़कियां बंदिया कुछ भी बात कर लेती है, और एक दिन ऐसा ऐसा हो रहा है तेरे पापा ने ऐसा पूछा, और मस्जिद में ना एक्स मुस्लिम चैनल से बचाने के लिए वो लोग बोलते थे, और मेरे पापा ऐसा बोल रहे हैं एक्स मुस्लिम चैनल क्या क्या होता है सब पूछने, सवाल घर पे आ गया था, एक्स मुस्लिम हाँ एक्स मुस्लिम चैनल होते हैं। मतलब मस्जिद वाले ही बता रहे हैं कि एक्स मुस्लिम चैनल है वो मत देखो, आपके हाँ जमाने मुस्लिम में हो गया। हाँ हो गया, और मेरे अच्छा कारण तो मैं ना जो मैं ये मेरे यहाँ पे मुफ्ती है जिलानी कादरी, वो कुत्ता, हाँ उसने उसका नंबर मेरे पास है, तो मैं ना अपने स्टेटस में मैं जान बूझ कर रखती हूँ ताकि सब मेरे नंबर सबके पास होगा यार, मेरे पब्लिक फोन हाँ है नंबर, तो ये लोग देखते हैं अरे ये लड़की ने ऐसा कर दी ऐसा कर दी, तो उन अरे चुगलबाजी होती है, और ये लोग आप पूरा जिस दिन रखा था ना उसी दिन पूरा इलाके में 1 घंटा में पता चल गया कि एक्स मुस्लिम, इसीलिए पूरा पोल्यूट कर दिया और सब के सब मेरा दुश्मन बन गए। अरे रे बड़ा ध्यान रखें ऐसा, ये इतना ओपनली मत करें दूसरा हाँ फिर। उसको हाँ उसके हाँ ऊपर भी मैंने केस थोपा है, वो लड़की को बहुत छेड़ता है ऐसा कुछ, मैंने उसके ऊपर इसीलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा से, मैं जानती हूँ किसको मतलब, अगर देखो हमेशा रूमर्स में किस तरह स्प्रेड करना चाहिए, अगर मैं खुद थोड़ा बुरा बनूंगी ना जल्दी बन जाएगा, जल्दी न्यूज स्प्रेड हो जाएगी, तो इसलिए मैं ऐसे रखना चाहिए जो मेरे दुश्मन को पता चलता है कि वो मुझको डिग्रेड कर पाए, जी और इन्हीं लोगों ने मेरी ना छोटी सी जो मेरे एक चैनल है मतलब स्टेटस है, यही लोग पूरे मतलब रायता फैला दिया पूरे गांव में, अच्छा हेल्प हेल्प कर दी मेरी, उनके नजरों में मैं बुरी काम कर रही हूँ, मेरी नजरों में मेरे हेल्प किया इन लोगों ने। जी अच्छा, फिर आपके हाँ पिताजी को जब पता चला एक्स मुस्लिम चैनल है और वो घर पे क्या बात किया, फिर क्या हुआ? अरे वो डरते हैं इस तरह बात कर रहे हैं एक्स मुस्लिम चैनल से होता है और बच्चों के, मेरे पापा ने नहीं देखा चैनल खोल के, उनको नहीं आता टाइपिंग, वो पढ़े लिखे नहीं है, पर जो मस्जिद में बोलते हैं ना वो सारे बात यहाँ पे बोल रहे हैं, जी तो इस तरह बच्चे अगर देखेंगे सुनेंगे, हाँ देखो हम बूढ़े हो रहे हैं फिर भी हम बच्चे ही होते हैं पापा के लिए, तो आप कंफ्यूज ना होना, और तो बच्चे देखेंगे तो उनका ईमान डगमगा जाएगा, दीन से बाहर हो जाएगी, काफिर हो जाएंगे, इस तरह सुनवाई होता था। और एक दिन ना मेरी मॉम के दिमाग में जो मैं क्वेश्चन दिया था, जब नबी के इतने सारे वाइफ है तो उनको एक छोटी सी बच्ची 6 या 9 ईयर्स उसके साथ सेक्स करने की जरूरत क्या है, मैंने बोला चीची चीची ऐसे क्या बात कर रही है मॉम ने, तो चीची ऐसे क्या बात कर रही है, उनसे साथ शादी की वो अलग बात है, वो उनकी मजबूरी हो गया कुछ और हो गया उस जमाने, ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी, मैंने बोला अगर अच्छा ठीक है तुम जो भी बोल रहे हो तो सेक्स करने की जरूरत क्या है, इतने सारे वाइफ है ना, बराबर तो उनके और इसके सवाल के जवाब नहीं है मेरी मॉम के पास, मैंने बोला देखो माँ मेरे पास कितना भी पाक वाला नबी आ जाए, मैं अगर माँ बनूंगी तो मैं अपने बेटे से मैं नहीं शादी कराऊंगी इतनी बुढ़े से, सही बात है। तो मैंने मॉम के हाँ समझ में पड़ा, और मेरे पापा के जाकर बोला देखो ऐसा क्यों करते हैं ऐसा ऐसा बोला, तो मेरे पापा ने सब इसके बारे में और उनको उलेमा होते हैं ना उनसे पूछा, तो थोड़ा उलेमा और मेरे पापा अच्छे दोस्त है, अच्छे इंसान है मतलब बुरा नहीं, हाँ ऐसा है हदीस में ऐसा कुरान में है क्या करे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो हाँ मेरे पापा ना उस दिन थत्थर थत्थर कांपना बोलते है ना एकदम, मेरे पापा ना एकदम जो कोल्ड फीवर होते हैं शिवरिंग वाले कांपने लगे थे, मेरे पापा का चेहरे में से जो क्या स्वेटिंग ऐसा लग रहा था कहीं हार्ट स्ट्रोक ना आ जाए, ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये लोग तो ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ते जैसे कि साहिर भाई बोलते हैं सबको, पर ना ये जो कुछ करे या ना करे पर प्यार बहुत करते हैं अपने दीन से, सही बात है। जब दीन ही इतना गंदा होता है तो ये लोग सब जानते हैं ना, इनकी जो जो प्यार वाला फीलिंग से बाहर आना और जो शॉक लगती है ना, एक एक मिक्सर फीलिंग होती है, मेरे पापा ने 4 दिन रोया पता है,
4 दिन। उसके बाद मेरे मॉम ने उसका थोड़ा समझाया उन्हें ठीक करने के लिए, मेंटल स्टेटस ठीक करने के बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि एक इस्लाम में जो बचपन जो पैदा होता है इम्प्लांट करने के लिए बहुत कोशिश होता है, उनको ना ज्यादा सोचने के लिए नहीं दिया जाता मौका। सही है। और इस तरह की जो एक मुल्ला परिवार, जो कट्टरपन जो वेस्ट बंगाल के ज्यादा ही होता है, और उस परिवार के एक इंसान इस तरह, जो खुद की उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटी से इस तरह गंदे अगर कोई काम करता है तो किसको पसंद आएगी, चाहे वो नबी हो खुदाई क्यों ना हो। सही बात है। तो एक पापा का नजर ऐसे देखेगा ना तो उनका अच्छा नहीं लगा, ये तो बुरा है। उसके बाद मुर्तदीन सुनना, काफिरों से लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, जिहाद करना है, सारे सारे बात जाना है। अरे ये तो मैंने सोचा ये सारे मुसलमान करते हैं या जो इस्लाम के नाम के ऊपर, मैंने सोचा नहीं इस्लाम खुद परमिशन दे रहा है, झगड़ा करो, गाली दो, जिहाद करो, काफिरों को मारो, उनकी मूर्ति फोड़ो, ये सारे कुरान में है, ये सारे जान के उन्होंने सोचा ये पूरा इंसानियत के खिलाफ है। मेरे पापा एक लिबरल और सेक्युलर है जो देश के लिए बहुत प्रेम रखते हैं, उनके लिए कुरान पहले नहीं, उनके लिए एक देश पहले है। और उस तरह सोच विचार रखने वाले इंसान अगर इस तरह इतने गंदे घटिया होगा तो कौन उसको क्यों अच्छा होली बुक मानेगा और होली रिलीजन क्यों मानेगी। तो फिर आपके पापा जो इतने ईमान के पक्के थे उनका भी धीरे धीरे ईमान डगमगाने लगा कि हाँ, छोड़ दिए धीरे ठीक धीरे है। क्या, जब आयशा की एज के साथ जब सेक्स होती है तो उनका वही खत्म हो गया था, अच्छा वही तो वही खत्म। उसके बाद एक्स्ट्रा पता चली, जिहाद करो, मारपीट करो, और ऐसे बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं ना केरला वाली, ये सारे हैं। और वो कुरान में है, उनका एक दोस्त है, मैंने बोला था ना वो उनका दोस्त नूरुल कादरी, ये सब कादरी होते हैं इनके, मतलब बहुत अच्छे दोस्त है बचपन के, तो ये लोग आराम से बात कर लेते हैं, हाँ भाई ये सारे हैं ऐसा ऐसा, तो वो लोग आराम से बोल रहे हैं ना। अगर कोई और मुफ्ती होता तो मानते नहीं है मेरे पापा, हाँ ये झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये तो सेम बराबर क्लासमेट से बचपन से, सेम सेम गांव के हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे मेरे पापा से। तो मेरे पापा बिल्कुल टूट गए थे अंदर से, मैं तो डर ही गई कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह परेशान हो गए थे। हाँ अरे ये बहुत गलत बात है, इतना शुगर कोटिंग दिलाया इन लोगों को, बेवकूफ बना रहे कुछ लोगों का। अगर ये वाले इतने गंदे हैं, अगर सच्चा वाला इंसान होगा तो इस्लाम से बाहर ही आएगा। जी और उस मेरी माँ तो पहले से ही ये सूरह अन्निसा जो होता है ना पेपर, उसको तोड़ तोड़ के एक एक पन्ने निकाल के ना जो मुर्गी वाले पोटी होती है उसके पोटी क्लीन कर रही थी पहले से ही, इतना गुस्सा है। अल्लामा साहब स्ट्रीम में जब भी आए थे आपके मोम उस दिन तो मेरे को नहीं लगता हाँ उतना दिन उनका निकला था, लेकिन बाद में निकला ना। पूरा, मतलब उनको शॉक लगा है, आपको कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए टाइम लगेगा, आप ट्रोमा में रहोगे, ट्रांस में रहोगे ना, समझे, आप ट्रांस में रह जाओगे। हाँ ऐसा है कह के, मैं जितना बात करती हूँ मेरे घर पे, मेरे मॉम डैड बहुत ही कम बात करते हैं, उन लोगों को बात करना भी नहीं आता, मतलब अलग ही इंसान है इस दुनिया से ऐसा मान लीजिए। तो आपकी आपके मॉम डैड तो निकल गए, आपकी जो बहन भाई है तो वो भी निकल गए, या उनका क्या सीन है? और मेरी एक बहन है और एक सिस्टर मेंटली रिटार्डेड है, उसको छोड़ो, वो उसको जब दिमाग जब पहले तो ठीक थी ना, उसको दिमाग में पहले से क्या कहा था कि मतलब इस्लाम ऐसा ऐसा है, जो वहीं पर रुक गई, उसके दिमाग में कुछ नहीं डाल सकते अभी मैं रिलीजन के बारे में, उसके अंदर निकालू या ना निकालू वो छोड़ दीजिए, वो उसका नहीं रहेगा। हाँ तो उसके लिए मतलब अभी अभी जो मूवी दिखता है जो शिव जी की है कुछ भी, तो उनका मुंह डर लग जाएगा, उनको उनका डर लगता है, वो जो सांप होती है ना सर पे, यहाँ पे वासुकी ऐसा कुछ नाम है, ये सारे उनको डर लगता है क्योंकि शी इज ए पेशेंट, और सारे देखे मूर्तियां है जो, और खून की तरह रंग दिखता है ना जो सिंदूर की, उनको वही प्रॉब्लम है, खून नहीं दिखना चाहिए, बाइपोलर डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया है उनको, तो अच्छा। ट्रोमाटाइज हो जाती है। हाँ और जो मेरे मॉम डैड की जो खून सवार है सारे देखी है, तब से स्किज़ोफ्रेनिया आ गया था अरे उनको, रे रे मतलब रे। अपरिचित मूवी देखा है ना, हाँ एक अच्छा एक गुंडा बन जाता है, सबको मार देता है, कातिल कर देता है। हाँ इस तरह मैं भी मार खाया, अपने हाथों भी चोटे सब तो वो होता है। दूसरी वाली बहन जो है वो भी बाहर आ गई है, वो तो दो पहले से बहनें। थी नहीं, वो तो मेरे से भी दबंग है, वो बहुत गुस्सैल है, मेरे पापा का ट्विन है ऐसा मान लो, उसको उसको ना मॉडर्न अच्छा लाइफ अच्छा लगता है, जैसे कि लिपस्टिक लगाना, बालों पे रंग लगाना अभी, और क्या कहते हैं नेल पॉलिश लगा, मेरे पापा इसके खिलाफ थे, अरे मोमिन लोग ये सब नहीं लगाना चाहिए, ये सब लगाओगे तो नमाज ना नहीं हो पाएगी,
रंग नहीं लगाना चाहिए, उसको उसको अच्छा लगता है उसको वुमेन, जो फेमिनिज्म वाली जो सुंदरता है उसका बचपन से इस तरह ही रखा है, वो सफेद है गोरी है तो उसका अटेंशन मिलता था बचपन से, इसीलिए खुद को अटेंशन के जो जो होता है उसको खुद को सुंदर दिखने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, जो दिमाग में छोटी उम्र में लगाया गया था ना उसमें वही पली बड़ी अच्छा, है। तो हाँ ये अभी आप निकल गई, आपके माता निकल गई, आपके अब्बू जान निकल गए, बहन निकल गई, तो कैसा माहौल है अभी घर पे? अच्छा लगता है आप सभी लोगों को कि इस जंजाल से निकल गए? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा नमाज नहीं करते अब नमाज नहीं करते, सुबह सुबह 4 बजे उठो, नहा के फिर वापस से ये सारे करना पड़ता, नहाते नहा भी थे इस तक क्यों खाली हुई नमाज कर लो, हो जाता है ना, नहीं नमाज हाँ नहाना भी है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अल्लाह से, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम अगर मांग रहे हम रोएंगे ये करेंगे, इस तरह रहता था पागलपन, अभी वो नहीं अभी है वो सब निकल अब। गया पागलपन। हाँ मैंने बोला अब ये छोड़ो उम्र बढ़ रहा है, जाइए वॉकिंग पे सिस्टर को लेके जाइए, वॉकिंग पे भेज रहे हैं उसी वक्त, उस वक्त अगर उठ रहा है नींद नहीं आ रहा है तो जाइए वॉकिंग पे। सही हो गया यार, वाकई में ये एक मिरेकल ही है, समझिए कि एक पूरी फैमिली पूरी की पूरी इस्लाम से बाहर आ गई। और आई एम श्योर कि जैसे सुल्ताना जी के अंदर चेंजेस आया और इनके अंदर जो दबंगता थी उसके कारण इनके घर वाले भी पूरे चेंज हो गए, आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारी सुल्ताना निकलेंगी हर घर से। और ये जो हमारी मेहनत है, जो एक्टिविज्म है, ये जरूर कामयाब होगी। क्या लगता है आपको सुल्ताना जी, लोग निकलेंगे जैसे हाँ आप निकली है? अरे निकलेंगे, पहले तो इंटरनेट नहीं थी, सबको ट्रांसलेशन नहीं पता था, और आप जैसे तो लोग हैं या नहीं वे भी नहीं पता था, लेकिन अब पता चल रहा है ना, आपका तो 4 लाख सब्सक्राइबर्स उससे ज्यादा है, और हम भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोल रहे हैं, बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है मेरी जो दिमाग है तो 10-15 साल में ना पूरी क्लीन बोर्ड हो जाएगी। हाँ और दस जो कुछ साल कट में आपको लगता है हाँ कि पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखते हैं, इनको रखवाया जा रहा है जान, इनको रखना अलग है, खुद से मानना अलग होता है, और दूसरी ना इन लोगों को रखना चाहिए ऐसा डरा धमका के, इसीलिए जो दूसरी चीज अगर आप 15 साल या 20 साल पहले का दौर देखे आप, तो वैसे भी लोग इतने रिलीजियस थे नहीं। ये तबलीगी जमात और ये साले, इन्होंने आके पूरा गंद फैलाया ज्यादातर। ये बात आपने ठीक कहा, मेरा यहाँ पे एक बड़ा वाला मदरसा बना दिया है, सऊदी अरब से पैसा आता है, बहुत सारा स्कैम चलता है, मेरी अंडर जो जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये लोग ना हर हर वक्त हर महीने में ना तबलीगी रखते हैं, और एक लड़की आई थी बूढ़ी, देखो तुम्हारा लड़की कभी तक शादी नहीं करा है, हम लोग तो इतने रिलीजियस है, अपनी बेटी को हम इसी मदरसा में ज्वाइन करा, मतलब मिर्ची फेंकने आए थे मेरे घर पे हाँ शर्मिंदगी करने के लिए, आपको बेटी को कुछ नहीं आती, हम अपने बेटी को देखो हम लोग बुरखा पहनाते हैं और कुरान पढ़ाते हैं और अल्लाह के रास्ते पे जो क्या कहते हैं जो टीचर उलेमा बनने के जो टीचर होते हैं ना, हम अल्लाह के रास्ते आलिमा, पे चल रहे हैं, हाँ दीन अल्लाह के दीन पे चलाने वाले हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग जब मर जाएंगे तो कहाँ जाओगे, आप तो कुछ भी नहीं किया, इस तरह मिर्ची छिड़कने के लिए आते थे, मेरे मॉम डैड ना जवाब नहीं दे पाते थे, तो मैं आ जाती थी तो मैं बोलती थी ठीक है तो आप जिंदगी अभी जीने के लिए अगर मान लेते हैं, अभी आप पढ़ाई की है आप अगर मान लेते हैं आप टीचर बन गए आपके बेटी बहुत अच्छी बात है, अगर मान लेते आपको अगर आपको पति अगर कोई मार रहा है तो कहाँ जाएगी, अगर मान लेते आपको बेटी का 4 वाइफ मतलब 4 4 सौतन हो जाएगी तो आपको कबूल है, आपको कबूल लेना चाहिए, आपको फकर मानना चाहिए, मुझे मुझे उस बात से फकर नहीं है अगर मेरी ना 3 3 सौतन आ जाएगी, मुझे उस बात अरे आपकी से सौतन आ गई तो वो आपके शौहर, आपकी वो 3 सौतन का आप क्या हाल करोगी, हम समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हाँ हैं। वही पे मैं गाड़ दूंगी जिंदा कोई हिम्मत करेगा नहीं आपसे शादी करने के बाद दूसरी शादी का सोचने की? अरे मुझसे शादी करने की हिम्मत ही नहीं है किसी को, बहुत डरते हैं, मैं वैसे मैं इतनी क्या देखो मैं एक बात बोलूं, लड़कियां ना गुस्सा एक नकाब होती है ताकि उसको कोई छेड़ छाड़े ना, ये बात सच है, हम लोग इतने गुस्से इस गुस्से नहीं होते, बस नाटक करते हैं ताकि हमें कोई छेड़े ना, एक पर्दा होता है, जब हमको कंफर्टेबल फील होता है तो हम बहुत ही केयर करते हैं हाय 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 हर हाय हाय, लड़की। क्या हाँ बात है क्या बात है। तो ये तो अंदर वाली चीज तो ये तो नहीं जाएगी ना, आपने तो, आपको एक्चुअली नहीं बताना चाहिए था ये। डर हाँ बात इसीलिए डर बोलती कायम रहने देना चाहिए। हाँ नहीं गुस्सा बहुत होता है पर जो गलत करता है तो मैं उससे मैं क्या प्यार करूं, सिंपल सी बात है। सही बात है।
तो ये रेजिस्टेंस कुछ आपके घर वालों को मिला है आस पड़ोस से, या फिर आस पड़ोस में मुस्लिम नहीं रहते हैं? अरे मेरे तो इलाका ही मुस्लिम का है, पूरा पूरा का पूरा। पहले इतना मुसलमान भी नहीं थे, और इतने मुसलमान जो तबलीगी जमात होता है ना, ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं और ना हर बार अजान देते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल की उम्र में जो अजान देते हैं ना, उनकी आवाज फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, जिस कारण जो क्या कहते हैं आवाज मतलब डर जाएंगे हाँ, इतना, मतलब अचानक से जो आवाज होती है, जो बूढ़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, इनको परेशानी हो जाती है। मतलब उनकी जो वोकल की जो टोन होती है ना, उससे परेशान हो जाती है, डर लग जाएगा। अरे आपको एक बात बोलूं, मुझे ना अजान से बहुत डर लगता है। मतलब वो जो एक एक खौफनाक एक अजीब किस्म की फील है। बचपन से जब मैं पैदा हुई थी, मेरे पास में ही मस्जिद था, तो हमेशा ही जब मतलब मेरे दिमाग में डर लगा दिया था कि जीन होते, और हाँ मुझे बचपन से भूत और क्या जीन से बहुत डराया गया था, इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ। क्योंकि ये लोग बोले थे कि जब अजान देते हैं तो सर नहीं ढकोगे तो आपके सर पे जिन मारेंगे, तो उस वाली ट्रांस में ना जो थोड़ा मतलब बचपन में बहुत डरती थी। हाँ इसीलिए मुझे अजान से डर हो गया, पहली बात यही। हाँ, अगर मुझे सुनाई नहीं दी तो अगर जीना के मेरे सर पे मारेगा या मेरे साथ ही रहेगा, इस तरह की जो ट्रांस होती है, इसीलिए मुझे अजान से वो जो ट्रांस वाली मतलब डर वाली फील हो गई है। इसीलिए मैं जब अभी नहीं है, पहले था जब अजान सुनती थी मतलब बहुत डरना शुरू कर दी, मतलब जो हार्ट बीट होती है ना हाई हो जाता था। तो हाँ अभी अभी भूतों से डर लगता है कि निकल गया डर? अरे अब तो कुछ नहीं भूतों को और लगता। जिन्हों को आपसे डरना चाहिए। नहीं मैं बिल्कुल नहीं डरती। वो पहले था जब मैं जब नौकरी पहले ना करती थी, तब तो हम तो वो रिपोर्ट भी लेते हैं, मॉर्चरी रूम में जाते हैं, उनके पास ही रहते हैं, पूरा देखना पड़ता है, बॉडी कटा हुआ मिलता है, ये सारे देख देख हमें अभी फीलिंग नहीं होती, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये दिमागी ये होता है, बस इतना ही। अगर होता भी है होता तो भी क्या होता। करेगा, अगर मान लेते हैं भूत है, अगर मैं मान लेती हूँ भूत है, तो मैं क्यों बंदूक रखूंगी, मैं अपने एक भूत एक एक दोस्त मना लूंगी और उसी से मैं पूरा मर्डर कराऊंगी, किसको क्या कहाँ पे ठिकाना कराने, कर सकते हैं सही बात ना। तो क्यों मैं रखूं, ये जो डिफेंस में इतने सारे करोड़ों रुपए डालूं या बंदूक रखूं, सबका अपना एक एक दोस्त बना लो, भूत वाली हाँ, काम करा भूतों को ही लेते फिर हैं, आपस क्यों। में लड़ाओ। हाँ तो क्यों ये फालतू वाली बकवास, इसीलिए निकल बाप रे बाप, बड़े बहुत भारी है सुल्ताना जी, एकदम दबंग दबंग गई। की, एकदम आला मकाम पे, एकदम वैसे बहुत लग रहा है। अच्छा जी। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। और देखिए, सुबह की स्ट्रीम है, वीकडेज है, और 3,800 लोग आपको सुन रहे हैं। थैंक यू। और व्यूवर्स, आप लोगों को मैं इतना बताऊंगी कि एज ए पुलिस देखो, चाहे लड़की हो लड़का हो, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अपने पापा को कुछ बोला है तो उसके बारे में बुरा ना माना, जो है जो सच है उसको बोलना चाहिए पहली बात, ताकि ये जो इनको प्रेरणा मिलती है, जो लड़कियों को मानना चाहिए और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलते हैं कि गलत की है। इंसान कितना भी गलती करे, जो अपना मानते हैं, जो जैसे प्यार करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उससे हाथ ना उठाइए। अगर मान लेते हैं आप रोड पे हैं, कोई अगर आपको मार रहा है तो आप उसके ऊपर हाथ उठाइए और पुलिस स्टेशन में आइए। मैं इस तरह बोलूँ, आपको हर एक रिलेशन के हिसाब से उसको इज्जत देना चाहिए। आप हाथ हाथ उठाना, मारना, गाली देना, ये गलत है, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, मोमिन और मोमिनाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जो आपको सुन रहे हैं? अभी बहुत सारी मोमिनाएं भी एक्टिव है कमेंट में, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपको, आपकी तो तरफ मैं से? अपने स्टाइल में बोलूंगी, तो देखो मोमिना जैसे कि फीमेल्स हैं, तो मैं एक बात बोलूंगी, चलो मान लेते हैं एक मोमिना है, उसको अगर उसका मर्द अगर चार चार बीवियां लाएगा तो उसको फकर होना चाहिए, पहली बात उन्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर वो इस्लाम को इतना प्यार करता है। और दूसरी, जो पर्दा लगाना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा चॉइस है, मेरा चॉइस है कह रहे हैं, तुम कुछ भी पहनो पर नंगा ना, नंगा इज इलीगल। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक बार बुरखा पहन लिया तो मर गया, मरते दम तक रखिए। ऐसा मतलब नहीं कि जो मेरी तरह एनी टाइम उतारो फिर अपना काम करो, इस तरह नहीं। अगर रहना है तो पूरी तरह रखे, ऐसा ना बोलिए मैं मोमिन हूँ और मैं बुरका पहनती हूँ, ये मत बोलना। अगर एक बार उतारा तो उतारा खत्म, फिर आपको मैं अपने प्रोफेशन फॉलो कर रही हूँ, इस तरह नहीं चलेगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि एक मोमिना होता है, उसको मरते दम तक उसके बाड़े से ना बुरका नहीं उतारना चाहिए, अगर वो घर से बाहर निकल रहा है, तभी आप खुद को बुरका फॉलो करने वाली मोमिना कहलाना। और क्योंकि ये जो लोग अगर नहीं हो सकता, अगर यही वाली फील रखेंगे, तो मैं एक पूछना चाहती हूँ, आप स्पोर्ट्स में किस तरह जाएंगे, टेनिस ऐसे कैसे खेलेंगे, क्रिकेट कैसे खेलेंगे, एक लॉयर कैसे बनेंगे, एक डॉक्टर कैसे बनेंगे, ये वाली, तो आपको एक प्रोफेशन नहीं मिलेगी, एक प्रोफेशन एक बुरखा वाली पहन के 24 घंटा अगर आप एक प्रोफेशन में काम करोगे नहीं होगा। तब मैं बोलेगा मैं काम के हिसाब से निकाल के फेंकूंगी तो नहीं चलेगा, ये वाली बात। तो खुद को इतना फक्र करने के लिए बात नहीं है।
इस्लाम अभी मॉडर्न नहीं काम नहीं आएगी, और दूसरी बात इंसान के खिलाफ ये तो बिल्कुल नहीं आएगी, बात खत्म वहीं पे। रही बात मोमिना सॉरी मुस्लिम्स बॉयज, मैं इनको कहना होंगी, इनको लड़की को बदन से देखते हवस निकल जाती है, वो ठरक बाहर आ जाती है, बोल रहे हैं भाई लोग आप ना गायनेकोलॉजिस्ट ना बनना, क्योंकि आपको अगर छोटा सा उंगली दिख जाती है, बदन दिख जाती है, तो आपको ठरक आ जाती है। एक एक मैंने एक्सट्रीम में सुना था, हम लोगों के साथ आ जाती है, बाल दिखने से फीलिंग आ जाती है, शैतान अंदर आ जाती है, इसीलिए हम लोग मुस्लिम लोगों को या लड़कियों को कपड़े ढक के रखते हैं ताकि हाँ, वो रसूलुल्लाह के साथ ये मामला हुआ था ये। हाँ हाँ वही वाली स्ट्रीम देख लिया था उन्होंने, तो वो फीलिंग आ गई, फिर उनको जाना पड़ा ज़ैनब के पास। वो मैंने, अरे यार मैं एक बात बोलूं, एक लड़की एक नॉर्मल पर्दा पहन की जा रही है, कुछ ढंग के कपड़े पहन रही है, तुम उसको देख के किसी और को पास गई हो, ये तो वुमेनाइजर कहते हैं ना, मतलब कुछ भी, ये तो बात गलत है, गलत नहीं गंदा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस तरह का दिमाग रहेगी तो तुम लोग एक गायनेकोलॉजिस्ट बनकर रेप ही करोगे, क्योंकि तुमको प्राइवेट पार्ट्स देखेगी। तो मैं तो अभी मैं सेंटेंस बोलूंगी, ओपिनियन भी नहीं है। तो अगर इतना ठरक और ईमान फॉलो करने वाले मुसलमान लोग, तो तुम लोग अगर गायनेकोलॉजिस्ट बन रहे हो तो इनके पास ना जाना मोमिना, क्योंकि इन लोगों को ना उंगली देख से फीलिंग आ जाती है, तो प्राइवेट पार्ट देख के तो कुछ भी आएगी ना। फीलिंग की बौछार आ जाएगी। तो इसीलिए तो मतलब खुद का ही इस्लाम ना आपको एक प्रोफेशन फॉलो नहीं करने दे रहा है, जीना हराम है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त यार, आज तो सुबह की स्ट्रीम में चार चांद लग गए हमारी एक्स मुस्लिमा सुल्ताना जी के आने से, और आई एम श्योर के कई सारे लोगों को आपकी बातें प्रेरित करेंगी। कुछ और आप बताना चाहेंगी या फिर हम फिर जो नॉर्मल आज का सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट करेंगे? एक सेकंड सर भाई, खाली एक सेकंड, ये सुल्ताना जी की वजह से अहमद खान भाई को बहुत मिर्ची लगी हुई है। क्या बोल रहे, मैंने नहीं देखा क्या? और एक बात बोलना है, मुसलमान लोगों की लड़की हो या कोई भी लड़की हो भाई, मैं एक बात बोलूं, जब विधवा बन जाओगे तो बच्चे लेके ना खुद के घर जा पाओगे ना सास ससुर में, तो वहां पे धक्के मार के रहेंगे, वहां पे तो भीख मांगना पड़ेगा अगर अच्छा फैमिली ना मिलेगी तो। तो मैं कहूंगी हर एक लड़की एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ वहां भटकना नहीं है। अरे क्यों शादी करना, मैं एक बात बोलूं, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? बस वो जंगल में रहते हम शहर में रहते हैं, बस इतना ही। वो लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, कुछ पहचान बनाओ यार कुछ। देखो मैं एक बात बोलूं, सब बोलते हैं पैसा प्यार होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, सब कुछ आएगा। आजकल 99% हर एक प्रॉब्लम पैसे से ही सॉल्व होती है, ये दिमाग में रख लो। बिना पैसा का ना प्यार की वैल्यू होती है ना रिश्ता की वैल्यू होती है। पैसा पहले अपनी अपनी लाइफ की आइडेंटिटी बनाइए, एक पावर बना लीजिए, एक पैसा कमा लीजिए, 99% आपकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ 1% सॉल्व नहीं हो सकती, जो परमानेंट प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जो कुछ भी करो सॉल्व नहीं होती, पर आराम मिलेगी लाइफ में। इसीलिए हर एक लड़का हो या लड़की हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तभी सोचना कि दूसरा लाइफ को जैसे कि बच्चा पैदा करने वाला रिलेशनशिप में अंदर जाए। बहुत सही कहा आपने, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, एक इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता आज की तारीख में बिना पैसे। आप किधर भी जाओ हर जगह पे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, वही तो बच्चा पैदा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। बच्चे तो छोड़ दो, खुद को भी, खुद की जिंदगी जीने के लिए भी हर जगह पे आप देख लो, चाहे आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे आपको खाने के लिए जाना पड़े, चाहे कुछ भी काम आपको करना पड़े, बिना पैसों के आपका काम नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि जितने लोग यानी जो मोमिनाएं हैं खास करके, क्योंकि आप देखिए आप शादी कर लेंगी उसके बाद आपका शौहर आपको कभी भी तलाक दे सकता है, उसके बाद आप क्या करेंगी? यही सवाल आपके, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है, आप हुनर नहीं है आपके पास, तो फिर कैसे आप जो है वो सरवाइव कर पाएंगी? फिर आपको दूसरों की जूती पे रहना पड़ेगा और यही होता है। तो उससे बेहतर है कि कुछ स्किल्स डेवलप करे, पढ़ाई में ध्यान दे और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा सके। यही एडवाइस है हमारी सुल्ताना जी की भी आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू, मेरे मुझको इतना टाइम दी, पता नहीं मैंने कितना देर लिया आप लोगों का। और बस इतना ही बोलना है कि पैसा ही आइडेंटिटी बनाती है, पावर, पावर एंड पैसा होगा तो जीवन में 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।